नालंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, मैं जन्माष्टमी स्पेशल लेकर आई हूँ। आप ये देख सकते हैं हमारे घर में कितने सारे लड्डू गोपाल जी आए हैं, और ये हमारा अहोभाग्य है फ्रेंड्स, जो इतने सारे लड्डू गोपाल जी हमारे घर आए हैं। जैसे हम अपने बच्चों का बर्थडे करते हैं तो उनके फ्रेंड्स बुलाते हैं, या अपना बर्थडे करते हैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं, इसीलिए कान्हा जी ने भी अपने फ्रेंड्स बुलाए हैं जिनके साथ वो अपना बर्थडे इंजॉय कर रहे हैं। हम कौन उन्हें बुलाने वाले होते हैं? तो जय जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारा मंदिर है उसे थोड़ा बहुत हमने सजाया है, और जन्माष्टमी पे एक अलग ही कृष्ण जी का रूप आता है फ्रेंड्स। वैसे तो आप कभी भी कृष्ण जी को निहारेंगे तो अपनी सुध-बुध खो देंगे, लेकिन जन्माष्टमी पे तो एक स्पेशल रूप आता है। तो आप इन सबको जानते ही हैं, दिया भी हैं, तो जब हम बर्थडे मनाते हैं उसमें नाच गाना ना हो तो फिर क्या मज़ा। तो फ्रेंड्स, हमने वहाँ पर इसमें जो कीर्तन है इसमें हमने डांस भी बहुत किया था और खूब इंजॉय किया था। कृष्ण जी के भजन भी वैसे इस तरह से होते हैं कि आप खूब इंजॉय करते हैं और आपको खूब मन लगता है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने डांस किया, स्वाति भाभी ने डांस किया, ये दिव्या दीदी डांस कर रही हैं फ्रेंड्स, सबने डांस का बहुत आनंद लिया था। ये चारू और आंचल डांस कर रही है, छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मन लगा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो देखिए, सुमन दीदी ढोलक बजा रहे हैं, दीपाली भाभी और चारू डांस कर रही हैं, और हम लोगों को मतलब जो कीर्तन होता है कि कीर्तन में एक आपको अलग ही आनंद आता है। ये शैली दीदी डांस कर रही हैं फ्रेंड्स, और ये जो जन्माष्टमी का त्यौहार है ये आपको एक अलग ही मज़ा देता है, एक अलग ही आनंद देता है। मज़ा तो नहीं कहूँगी, एक अलग से अंदर से शांति देता है। अब कान्हा जी की आरती करते हुए जन्माष्टमी पर, तो ये जीजा जी हैं जो कि आए हुए थे, तो आप देख ही सकते हैं कि आरती में सभी भाग ले रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ एक बार बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जी, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। फ्रेंड्स, ये प्रसाद है, और आज जो जन्माष्टमी पर मेन प्रसाद होता है वो गोंद का होता है। तो इसमें मतलब मुझे भी अभी पता चलता है कि आपको इसमें गोंद जरूर लड्डू गोपाल जी को खिलाना चाहिए, और एक माखन मिश्री का प्रसाद है। तो ये हमने लड्डू गोपाल जी का केक बनाया था, इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये उसी रेसिपी के द्वारा बनाया गया है। तो आप देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे केक काटेंगे, और सबसे बड़ी बात है ये केक आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो ये देखिए छोटी सी भव्या जिसने खुद एक लड्डू गोपाल जी लिए हुए हैं, ये देखिए सारे लड्डू गोपाल जी मिलकर अब केक काटेंगे। तो हम भी उन्हें लड्डू गोपाल जी को ये कहेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे लड्डू जी। तो फ्रेंड्स, सब कान्हा जी ने मिलकर केक काटा है, और हम सब ने फिर इस केक का बहुत आनंद लिया है, क्योंकि आप व्रत में खा सकते हैं। ये है रात 12 बजे का, मैं सक्षम जो है लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहा है। तो पहले हम कच्चे दूध से स्नान कराते हैं, फिर जो जल होता है उनसे उन्हें कराते हैं, शहद से, घी से, दही से, इन सब से कराते हैं। तो जय जय